हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कच्छ वर्क करने के लिए आज हम इस टाइप का डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाएंगे। छोटा सा है, आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। स्क्वायर अगर बड़े रहेंगे तो बड़ा भी बन जाएगा, और छोटे छोटे स्क्वायर हैं तो छोटा भी बनेगा। आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है बनने पर। देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया हुआ है, इस टाइप का ही होता है, बनने पे लगता है। और मैं अब दूसरा आपको बना कर दिखाती हूँ। तो ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसे हमने फैब्रिक पे अपने कॉपी कर लिया है। और इसके बाद अब देखिए यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। इसे यहाँ से थोड़ा सा लाइन से हट के मार्जिन लेते हुए अपने नीडल को निकालना है। यहाँ पे मेरा धागा, यहाँ भी थोड़ा सा लाइन से हटके ही थोड़ा मार्जिन लेके करेंगे, और यहाँ पे मेरा धागा हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे मेरा धागा ऊपर रहेगा। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है, तो यहाँ पे हम अपने धागे को नीचे रखेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से थोड़ा धागा कर लेने से, और निडिल को निकालिएगा तो आपका धागा नीचे हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे नीचे इसलिए हुआ कि देखिए ये जो बना हुआ धागा है, थ्रेड है, सो नीचे है, और जब फिर बनेगा इधर से आएगा लौटेगा तो यहाँ पे ये धागा हो जाएगा ऊपर। तो इस धागे को हमने नीचे रखना है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप में एक नीचे और ऊपर का हिसाब बैठता है, इसलिए यहाँ पे हमने नीचे रखा है। तो ये नीचे हो गया, इसके बाद यहाँ पर अपने धागे को ऊपर कर लेंगे। फिर यहाँ पे मेरा धागा हो जाएगा नीचे, क्योंकि उसी तरह की सेटिंग है जैसे यहाँ है, इसी तरह से। फिर यहाँ से फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ पे हमें अपने धागे को ऊपर रख लेना है। यहाँ पे भी थ्री स्टेप हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे मेरा धागा ऊपर हो गया। अब जब यहाँ पे ऊपर हो गया तो इस धागे यहाँ पे भी हमने इस कॉर्नर में भी ऊपर रखना है। तभी जाकर ये नीचे हो गया धागा, और यहाँ पे ये ऊपर हो गया। फिर यहाँ पे अपने धागे को नीचे कर लेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये जो पूरा लाइन है, इसी तरह से हमें कवर करते हुए यहाँ तक आना है। तो अपने धागे को कर लिए नीचे, यहाँ नीचे फिर ऊपर, तो यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे इस धागे के हमने नीचे निकल जाना है, क्योंकि ये धागा ऊपर हो रहा है, जो बीच में बनेगा वो होगा नीचे, और ये धागा हो गया ऊपर। तो यहाँ पे अपने नीडल को नीचे ले जाएंगे, और अब क्या करना है, यहाँ से निकालेंगे अपने नीडल को। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये धागा ऊपर, ये धागा ऊपर, तो यहाँ पे हमें बीच वाले थ्रेड को क्या करना होगा, नीचे से निकालना होगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर हो गया, ये हो गया नीचे, तो यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को ऊपर रखना होगा। फिर यहाँ से नीचे हो जाएंगे, तभी जाके ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये बीच वाला नीचे हो गया। अब यहाँ से फिर अब हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पे देखिए, ये धागा नीचे हो रहा है, ये ऊपर, फिर यहाँ नीचे, तो यहाँ पे भी हमें अपने धागे को ऊपर रखना होगा। ये ऊपर हो गया। अब इस कॉर्नर से हमें क्या होगा करना, यहाँ पे इस कॉर्नर आना होगा। तो यहाँ पे भी देख लेंगे, मिलाएंगे कि क्या रखें धागे को, तो नीचे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे भी हमें धागे को ऊपर रखना होगा। और यहाँ भी देखेंगे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, तो यहाँ पे हमें अपने धागे को ऊपर ही रखना होगा, और यहाँ से नीचे निकलेंगे। तो यहाँ देखेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ पे जाके अपने धागे को नीचे ले जाएंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद फिर अब यहाँ यहाँ से शुरुआत करेंगे।
तो यहाँ भी देख लिए दोनों धागे ऊपर ऊपर हो रहे हैं, तो यहाँ नीचे से निकलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे अपने धागे को ऊपर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर हो रहा है, यहाँ पे नीचे हो रहा है, तो इस धागे को हमने ऊपर रख लेना है, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएंगे। फिर यहाँ भी अपने धागे को ऊपर ही रखना होगा, क्योंकि ये नीचे ये ऊपर ये नीचे ये ऊपर हो गया। फिर यहाँ पे सेटिंग देख लेंगे, नीचे नीचे तो यहाँ पे ऊपर ही रहेंगे, यहाँ भी अपने धागे को ऊपर रखेंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर रहेगा, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएंगे। इसके बाद हमने फ्रेंड्स फिर यहाँ से निकलना है, यहाँ भी उसी तरह से ऊपर ऊपर है तो यहाँ पे नीचे हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर कर लेंगे, फिर यहाँ नीचे हो गए, यहाँ पे ऊपर रखेंगे अपने धागे को, यहाँ पे नीचे नीचे तो यहाँ पे मेरा धागा ऊपर रहेगा, ये इस तरह से ऊपर रहेगा, अब एक बाकी है। फिर उसी तरह से जिस तरह से हमने इधर सब बाइंडिंग की उसी तरह से ये भी होगा, तो यहाँ भी ऊपर ऊपर धागा है तो यहाँ से हम नीचे हो जाएंगे, यहाँ पे अपने धागे को कर लेंगे ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ पे ऊपर हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ नीचे, ऊपर, यहाँ नीचे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस जो डिज़ाइन है इसकी बाइंडिंग हो गई। अब हमें इसकी फिलिंग करनी होगी, तो फिलिंग करने के लिए हम अपने नीडल को यहाँ से निकालेंगे, तो जिसे मैं आपको दूसरे में बताऊंगी दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक आप इसे बनाइए, यहाँ से हमने शुरू करना है। तो यही है मेरा आज का वीडियो, आप इसे बनाइए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करेगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।